I see her rolling up, Uber black Cadillac. High heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some needles to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane, jealous of. अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम लेके आए आपके लिए क्लासिक का गेम प्ले है। ये गेम प्ले इवेंट वाला खेल रहे थे तो हम तो ये तो मैंने थोड़ा सा लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो इसलिए प्लान चाहिए, वरना लॉबी दिखाते आपको लॉबी में कौन कौन बंदा आया था। तो चलते गेम की तरफ, अपने टीमर्स के साथ खेल रहे, रैंडम कोई भी नहीं है। जेरी भाई वैसे ही हमारे साथ होते हैं हर मैच में, तो इनके साथ ही खेल रहे, इवेंट में जा रहे हैं। आपका भाई पहली दफ़ा लैंडिंग करवा रहा है, देखते हैं तो पहले कैसी लैंडिंग होती है। लैंडिंग करते हुए तो वैसे अभी तक तो सही है, कोई दिख तो नहीं रहा बंदा। तो सबसे पहले तो लैंडिंग करते भाई ग्लिच हो जाता है। लैंडिंग कहाँ करूँगा और जाऊँगा कहाँ, ये देखो। अब देखो लैंडिंग की कितना लैग हुआ, मतलब कि पैराशूट हिला। यहाँ स्कारल मिलती है और मुझे यहाँ पे होलोग्राफिक मिल जाता है। तो यहाँ पे तो पहले तो एक बंदे को नॉक किया भाई, क्या रहा है, हंट फॉर लाइफ भाई। ये बंदा थोड़ा अपना करियर बना रहा था जब भी इसने नाम रखा हुआ हंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे ये बंदा जा रहा था, इसको डैमेज किया, मुझे नहीं पता राइट को बंदा है। वो तो शुक्र है भाई, इसको मेरा एक हेड कनेक्ट हो जाता है तो ये नॉक हो जाता है। मैं 1 HP हेलमेट वेस्ट है, सामने वाले बंदे को थोड़ी पीक दी। अब देखो डैमेज है, 1 HP हो गया वो बंदा। यहाँ पर भाई ये तो कोई जेरी भाई बोल रहे हैं मुझे, कह रहे क्या तो बचा है, लेकिन भाई किल भी चुराया लेकिन बचा भी लिया। हो सकता है मैं हेलमेट वैसे ही मर जाता, तो शुक्रिया। तो फिर चलते हैं गेम की तरफ। यहाँ पे मिलती है मिनी 14। तो यहाँ पे 1 HP तो है, हीलिंग वीलिंग कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक लगाएंगे। फिर उसके बाद है ना ये पार्ट कट कर दे तो बहुत वेट करना पड़ा। तो यहाँ से जा रहे होते तो पहले जो हंट भाई को हमने नॉक किया था तो उनका किल मिल जाता है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, टीममेट बोलते हैं सामने जो ब्राउन कलर का वो डब्बा है वहाँ पे, उसके पीछे बंदा है। तो यहाँ पे मॉली की इसमें तो मैं रश कर देता हूँ, रश करता तो देखता हूँ भाई कहाँ पर है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और पता ये चलता है कि यहाँ पे भाई बंदा है नहीं, मतलब कि वो पीछे वो दुड़की लगा चुका है, भाग चुका है। तो मैं तो आगे जा रहा हूँ तो लेफ्ट से साउंड आता है। अब यहाँ पर आएंगे टीममेट्स पर शॉट, मतलब अंदर की तरफ से। अब वो देखो अब इधर से उसकी गन ग्लिच हो रही है। अब इसको मैंने डैमेज दिया हेड और एक बॉडी शॉट लगता है। अब वो देखो 1 HP है, अब वो बंदा गायब यहाँ से। वो देखो वो भाग रहा पीछे। तो मैं टीममेट को बोलता हूँ, वो टीममेट भी मुझे बोलता है कि भाई अब अंदर जाने का फ़ायदा नहीं, कैंपिंग हो रही होती है अंदर, तो इसलिए हम अंदर जाते ही नहीं। तो हम आ जाते हैं राइट साइड पर। तो राइट साइड पर आगे जा रहे होते कि राइट से फुल घूम के जाएंगे। तो आगे घूमते घूमते बंदे देखते देखते इस तरफ पहुँचता हूँ। तो पहले तो मेरे मैं पहाड़ क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग बहुत होती है भाई। तो यहाँ पर मैं इतनी देर में आगे जा रहा होता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे अब 2 बंदे स्पॉट होते हैं। अब वो देखो ओपन भी घूम रहा है, पहले एक बंदे को डैमेज होगा, बॉडी बॉडी लगती है, हेड कलेक्ट नहीं होता, दूसरे को भी डैमेज ही गया लेकिन टीममेट ने वहाँ पे मारा और उसकी भी 1 HP है तो उसको साथ ही फिनिश कर देता है। अब एक बंदा जो था वो भाग गया और वो पीछे से घूम के पहाड़ों के ऊपर आ गया। तो मैं उसको देख ली पे आता हूँ भाई, उस निकल ही नहीं रहा। अब देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, उसने नॉक भी कर दिया भाई से फिनिश किया लेकिन वो निकल नहीं रहा। इतनी देर में पीछे से उसका टीममेट आ जाता है और हो जाता है हमारे साथ हादसा। तो यहाँ पर तो इन्होंने सनी भाई ने नॉक फिनिश कर दिया है। फिर चलते अब यहाँ लैंडिंग कर रहा होता हूँ मैं, तो टीममेट तो मेरे पहुँच जाते हैं स्कूल में, तो मैं स्कूल में पहुँच नहीं पाता क्योंकि मैं थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो यहाँ पर राइट पर मैं वेयर हाउस की तरफ उतर जाता हूँ, पैराशूट खुल चुका है, मैं जा रहा हूँ वेयर हाउस में। तो पहले वेयर हाउस में पहुँचेंगे फिर इस जगह की लूट करेंगे क्योंकि आपको पता है उतरते ही पहले तो मिलती है हमें स्कारेल। तो स्कारेल मिलती है तो फिर लूट तो करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस तरफ मैं लैंडिंग करो तो वेयर हाउस में उतरता हूँ और फिर लैंडिंग करो और टीममेट से ना स्कूल को लूट रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ वेयर हाउस में हम उतर चुके हैं, अब यहाँ लूट करते हैं।
मैं यहाँ लूट कर रहा होता तो टीममेट की कॉल आती है, भाई कहना स्कूल में बंदे आ चुके हैं। ठीक है, अब स्कूल में बंदे आ चुके हैं तो अब टीममेट को कवर देने तो जाना पड़ेगा, तो अब चलते हैं टीममेट की तरफ। अब मुझे मिलती है यहाँ पे मकलेवा। इतनी देर में टीममेट एक को नॉक करता है और साथ में फिनिश। भाई थोड़ा सा वेट नहीं करना, क्योंकि किल तो कंफर्म करना लाजमी है ना, क्योंकि किल चला जाएगा हाथ से। तो इतनी देर में मैं यहाँ पहुँचता हूँ स्कूल में। अब एक टीममेट अंदर की तरफ है और ये बाहर होता है आसमान ना, तो फिर मैं पहुँचता तो ये बोलते हैं कि साथ ही चलते, फिर साथ ही हम पुश कर रहे होते। लेफ्ट से जाते खिड़की से अंदर, तो खिड़की से अंदर जाने के बाद मेरे पास एक्सटेंडेड बैग नहीं होता, तो मेरे पास पॉइंट्स थे तो मैं वो मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, मेरा बैग मंगवा रहा हूँ तो ये ड्रिंक वगैरह लगा रहा है। फिर उसके बाद हम मेरा टीमर को कवर देने जाते हैं, और पता ये चलता है कि यहाँ पर था सिर्फ एक ही बंदा, और ये भाई इतना गंदा कैंप पड़ता है ना भाई, फुल कैंपर नहीं होता, मतलब कि साउंड भी नहीं देता। अब ये देखो ऊपर जाके बैठ जाएगा और थोड़ा सा भी साउंड नहीं देगा। अभी मार खा रहे, मार खाने के बाद मैं यहाँ पर फ्री फायर दूंगा, फ्री फायर देने के बाद वो भाग गया है। अब हम तीनों बंदे घूम रहे, इतनी देर में साउंड आता है वो बंदा भाग रहा है लेफ्ट पर। अब वहाँ से उसने खिड़की से छलांग मार दी। अब यहाँ पर उसको मिलती है बग्गी, बग्गी में भाग रहा है। अब मैं इसको स्प्रे देता हूँ, यहाँ पर हैंड कनेक्ट होता है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रिकॉइल है, ये कंट्रोल नहीं होता, वो भाग जाता है अपार्टमेंट में। और ये बंदे अपार्टमेंट से ही पुश करने आए थे दोनों, अब देखो डर के भागे। अब ये कैंपर इतना बड़ा है, हम पहुँचते हैं फिर अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे करवा रहा हूँ तो पहले नेड नेड गया, अब मैं चला जाता हूँ अपार्टमेंट में और ऊपर एम करके जा रहा हूँ, ताकि अगर वो आए तो थोड़ा सा स्प्रे देके नॉक कर दूँ या फिर डैमेज देके कवर में आ सकूँ मैं। अब देखो यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे अब देखो मैप में एक भी मार्क नहीं है, और वो बंदा इसी जगह छत पर बैठा हुआ कैंप कर रहा है। मतलब कि हम इतना वेट करते हैं सिर्फ इस कैंपर की वजह से कि साउंड दे। अब हमें ये नहीं पता ना कि वो ऊपर फ्लोर पर है या रूफ टॉप पर है। तो अब इतनी देर में टीममेट आगे लूट वूट कर रहा होता है, तो मैं कॉल देता हूँ, भाई आजा हम साथ ही चलते हैं, साथ चलेंगे तो एक ना एक मार देगा। अगर ये डैमेज करेगा तो मैं थोड़ा सा डैमेज करके उसका किल ले सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ साथ चलते हैं, पहले तो ऊपर जाते हैं। अब देखो यहाँ मैं ऊपर पहुँचा, अब वो देखो पीछे से फायर आया डीपी का। अब इतनी देर में टीममेट फाइट ले लेता उससे, लेकिन टीममेट नॉक हो जाता है डैमेज देके। मेरी एक ही गोली कनेक्ट होती है आरडी जेरी को, और यहाँ पर इसका किल मिल जाता है। तो फिर टीममेट को रिवाइव देके इसकी लूट करते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अब इधर ले आता टीममेट गाड़ी, तो डास्के में बैठते हैं, फिर चलते हैं इवेंट की तरफ ऊपर। अब देखो उस बंदे ने इतना सा भी मतलब के साउंड ही नहीं दिया कि वो है किस जगह, तो इसको बोलते हैं कैंपिंग। और भाई होल्ड करना वो होता है कि बंदा अगर साउंड दे रहा है कि ना भाई यहाँ पर हो, लेकिन वो होल्ड कर रहा है, मतलब पुश नहीं कर रहा, वो होता है होल्ड। भाई एक फुल कैंपिंग वाला सीन था, इसने कैंपिंग बहुत गंदी की है। चलो कोई नहीं, यहाँ इवेंट पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद तो यहाँ स्टार्टिंग में तो कोई होता नहीं है। फिर यहाँ आते हैं बंदे, अब नंबर वन अकेला फाइट ले रहा है तो मैं कवर देने आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन बंदों को कितना डैमेज दिया हमने। अब वो उसकी आधी हेल्थ है, अब वो कवर में चला जाएगा, अब वो कवर में गया। अब दूसरे बंदे से फाइट ले ली है मुझे। अब यहाँ एक बंदा है, इसको भी डैमेज किया, यहाँ से दोबारा डैमेज किया, वो हो गया 1 HP। उसकी मतलब कि हेल्थ दिख भी नहीं रही और वो भाग रहा है। मैंने अब कोशिश की बहुत कि उसका किल मिल जाए, लेकिन भाई नहीं मिलता। और यहाँ पे इसका दूसरा टीममेट होता है, इसको भी है ना मतलब कि हम सब मिल के डैमेज देते, और फिर वो भी यहाँ से दुड़की लगा देता और भाग जाता है। अब देखो कितना डैमेज दिया, वो आ ही नहीं रहा आगे। अब इतनी देर में मैंने कोशिश की शायद डब्बे के पीछे, लेकिन वो भाई साउंड ही नहीं दे रहा। हम दोनों ओपन में घूम रहे, दोनों की हेल्थ कम है, मतलब कि 1-1 HP हुए हैं। फिर अब वो देखो वो भाग गया, उसकी भी हेल्थ कम थी, वो भी भाग गया। अब तो इतनी देर में मैं भी लूट करने लग जाता है। फिर ये बंदे ने हेल्थ वेल्थ करके लेफ्ट से आ रहे थे पुश करने, ये दो बंदे आ रहे। अब मुझे इतनी देर में पता नहीं चलता कि एक बंदा मेरे ही क्लोज में ना मतलब आ गया, ये मुक्के वाली जो है मुक्के वाला जो भाई है ना भी आ जाता है। तो इसको तो मैं क्लोज में मार दे तो एक किल मिलता है मुझे यहाँ पे, लेकिन इसका टीममेट मार देता है क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि मेरे करीब में भी बंदा है। तो हम फिर यहाँ पर उतरते हैं मिल्टा पावर। मिल्टा पावर उतरने के बाद फिर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि ना बंदा कोई पुश करे, पुश करे। यहाँ गाड़ी नहीं मिलती, पहले तो हमें गाड़ी ढूंढनी पड़ती है, फिर गाड़ी ढूंढते, फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं जोन के बिल्कुल मिड में। अब वो सीन आने वाला है जो आपने ना इंट्रो में देखा था। तो हम यहाँ रुकते हैं, तो यहाँ पर रुकने के बाद पहले तो मैं अंदर जाता हूँ, फिर है ना यहाँ पर है ना बाहर निकलने के बाद साउंड आएगा कि बग्गी आ रही है। अब बग्गी देखो, अब बग्गी आ रही है, मुझे पता है सामने से आ रही है। मैं कोशिश करता ना स्प्रे देता तो हेड बॉडी लग के उतार सकता था, लेकिन मेरी ये गलती कि यहाँ स्प्रे नहीं दिया। इतनी देर में पीछे से बग्गी का साउंड आता है, मैं बग्गी वाले को मार रहा था, ये बंदा एकदम सामने पता नहीं कब आ जाता है, लेकिन फिर भी मेरे थोड़ी सी बुलेट्स लगती है और ये यहाँ मैं नॉक हो जाता हूँ।
नॉक हो गया हूँ। अब टीममेट को मैं कॉल दे रहा हूँ कि भाई स्मोक कर और रिवाइव दे रहे, क्योंकि ना अगर आप देखो स्क्वाड में खेल रहे हो और आपके चार बंदे नहीं है ना, तो आप कोशिश करो अपने तीसरे बंदे को भी लूज़ होने नहीं दो, मतलब कि उसको रिवाइव दो, उसको उठाओ, फिर है ना वो थोड़ी सी तो आपकी हेल्प कर ही देगा। तो यहाँ पर मैं बहुत बोल रहा था भाई स्मोक में आके रिवाइव दे, लेकिन वो भाई स्मोक के बाहर बैठा हुआ। तो चलो फिर कोई नहीं, इसके पास ही चलते हैं, हमें तो रिवाइव लेना है, तो इसकी बात सुन लेते हैं। यहाँ पर लेता हूँ रिवाइव। अब देखो ये जो टिप है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है कि ना अपने टीममेट को ज़रूर रिवाइव दो, क्योंकि वो कुछ तो मदद आपकी कर ही देगा। तो यहाँ पर मैं रिवाइव लेता हूँ, रिवाइव लेने के बाद हीलिंग कर रहा हूँ। वो जो बग्गी जो पहले गई थी ना, चली गई थी, भाग गई थी, वो मैं नॉक हुआ था, वो वापस आ चुकी थी, तो वो यहाँ ही थी सामने वाले घर में। तो यहाँ पर मैं हील करके पहले जाता हूँ ऊपर, मुझे पता था ऊपर जाऊँगा मुझे विंडो से ना थोड़ा सा अच्छा एंगल मिल जाएगा, तो मैं आराम से बाहर से। वो नीचे वाले बंदे पुश करते थे नंबर बंदे जेरी भाई पे। तो यहाँ तो मैं एक बंदे को डैमेज देता हूँ, हेड बॉडी लगती है ये नॉक, दूसरे वाले को मैं कवर देता हूँ, डैमेज देता हूँ, लेकिन टीममेट को ना खेल जाता है। और ये तीसरा बंदा भाई इसने जिससे मेरे को नॉक किया था, भाई नॉक करके डायरेक्ट फिनिश कर रहा है भाई। आगे आप फाइट ले सकते हो बंदे, लेकिन नहीं, यहाँ पर टीममेट क्रोन शॉट मारता है, तो यहाँ पर लास्ट बंदा होता है, तो इसको मैं मार देता हूँ, RS राणा OP। तो इसी तरह आपके भाई का यहाँ पर हो जाता है 1v3, 1v4 भी हो सकता था, क्योंकि मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया था जो जेरी भाई ने नॉक किया। ये चलो कोई नहीं, यहाँ पे फिर ऑल पे जाने के बाद वो बोल रहा है भाई ट्रिक इस्तेमाल किए, ये किया वो किया। ट्रिक कुछ इस्तेमाल नहीं की भाई, ट्रिक बस इतना सा किया मैंने, हील करके मैं ऊपर चले गया था, मुझे पता था एंगल ऊपर से अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर टीममेट की ऑल पे बातें वगैरह चल रही थी या फंडे चल रहे थे कि भाई हमने तो सही खेला, तुमने गलत खेला है। तो यहाँ से हमें मिल जाती है AWM और M4 चला रहे हैं। फिर यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि जोन तो वैसे यहाँ पर होता है, लेकिन हमें तो किल चाहिए होते, तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं फार्म की तरफ। फार्म की तरफ पहुँचने के बाद तो मैं बोलता हूँ मुझे लगता है स्क्वाडों से बंदा है, तो हम यहाँ पर ही पहले ट्रिपल स्टोरी के इधर रुक जाते हैं। ट्रिपल स्टोरी के इधर रुकने के बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं स्क्वाड हाउस में है तो कोई नहीं, कोई भी नहीं होता, तो फिर हम स्क्वाड हाउस में आ जाते हैं। फिर मैं चढ़ जाता हूँ छत पर, क्योंकि AWM थी, स्नाइपिंग करनी है भाई। राइट से एक बंदा चला रहा होता है DP। अब पहले तो देखते हैं DP वाले को, DP वाला है का। अब पहले साउंड तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता फायर आ रहा है किस तरफ से। अब पहले तो मैं देख रहा था, और ये यहाँ पर भाई साहब लेटे हुए थे, क्या नाम है इनका, CH अमीर भाई। तो इनको एक नॉक करता हूँ, फिर एक बॉडी शॉट लगती है, और इसके टीममेट को कोई दूर से SKS से मार देता है। अब टीममेट को लगता है कि मैंने आगे की तरफ घरों की तरफ नॉक दिया, वो चला गया आगे। तो मैं कॉल दे रहा था भाई पीछे आ जा पीछे आ जा, वहाँ बंदा है। तो लेकिन भाई वो चला गया, तो अब उसको कवर तो देना लाजमी है, तो फिर मैं भी चला जाता हूँ, M4 हाथ में ले लिए, अब आगे की तरफ जा रहे, कवर दे रहे। लेकिन इस घर में कोई नहीं होता, आगे जो पिंक वाले घर है ना, मतलब 2 स्टोरी जो है, वहाँ पर होते हैं बंदे। यहाँ पर पहले तो मैं शीट बना लेता हूँ, शीट बना के बंदे मुझे पता नहीं होते, मेरा नेट हाथ में, लेकिन ये नहीं पता मुझे बंदे हैं कहाँ पर। फिर पता चलता है वो गोल्डन हाउस जो पुराने होते थे, मतलब पिंक वाला जो हाउस है, उसके अंदर बंदा है। ये बहुत अच्छा डैमेज देता है, मतलब कि अच्छा खेल रहा होता है, स्प्रे भी इसका अच्छा होता है। यहाँ पर मेरी वेस्ट फुल डैमेज है, मुझे पता नहीं होता इस बात का। एक बंदी को नॉक किया और कितनी जल्दी मेरी हेल्थ गई, क्योंकि वेस्ट उड़ गई थी, एक उसका हेड भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने नॉक दिया, लेकिन मेरी वेस्ट उड़ चुकी है, तो मुझे चाहिए थी वेस्ट। तो मेरे पास पॉइंट्स कम होते हैं थोड़े, तो मैं अपने टीममेट से मांग रहा था पॉइंट्स भाई, पॉइंट दे दे ताकि मैं वेस्ट उठा लूँ। अब ये गलत जगह बैठा भाई, देखो आप देख रहे हो ना, ये ओपन में तो इसको पीछे से स्क्वाड हाउस में से पड़ सकती है, तो मैंने बोला था, लेकिन भाई चलो कोई नहीं, अब आगे देखते होता है क्या। मैंने यहाँ मंगवा ली वेस्ट, वेस्ट मंगवाने के बाद फिर दोबारा इसी बंदे को देखो जहाँ नॉक किया था, वो नॉक वाला तो घर में था, फिनिशर में दिया नहीं है, तो वो तो हो चुका है रिवाइव। रिवाइव हो गया तो फिर अब तो हमें देखना पड़ेगा, वो बंदा डेड कर रहा था, मैं दूर हो जाता हूँ, मेरे बोला हो सकता है इधर आ जाए, लेकिन आता नहीं है डेड। तो फिर दोबारा देखते हो इसको, तो इसको फिर दोबारा मिस, और इतनी देर में पीछे से टीममेट को पड़ जाता है 780 शान भाई ने नॉक किया है। यहाँ पर मैं पहले बना दूँ शील्ड, अब इस तरफ से तो कवर ले लिया, लेकिन पीछे से मुझे लगा कि वो बंदा मार सकता है, और वो शॉट्स भी लेता है। तो मैं यहाँ पर पहले तो स्मोक वगैरह करता हूँ, और स्मोक करने के बाद वो ये जो दिया वाला इन्होंने दिया ना कि अपने नॉक टीममेट को आप उठा सकते हो, मतलब कि ये चीज़ हमारे काम में आने वाली है। इस वक्त मैं पूरा स्मोक करता था, अगर इधर रिवाइव देता तो वो ऐसे ही फ्री फायर में शॉट्स मार रहा होता स्मोक में, और मुझे लगती और या तो ये फिनिश हो जाता है या फिर मैं नॉक हो सकता था। तो मैं उठा के ले आता हूँ शेक में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने अच्छा वाला डाल दिया। तो रिवाइव देने के बाद यहाँ पर बंदा होता सामने, तो इसको तो पहले बॉडी शॉट लगता है भाई, AWM का डैमेज बहुत कम करते हैं इन्होंने भाई, मतलब कि हेड शॉट भी मारा तो नॉक नहीं हो रहा लेवल 3 में। इतनी देर में मैं पेन किलर लगा रहा था, शेक के पास मुझे बंदा दिखता सामने, जो शेक है ना, पहले तो इसको देखते हैं ये बंदा का है। अब देखो ये बंदा पीक दे रहा था, इसके पास भी स्नाइपर थी, भाई साहब
सेम रेटी शाल भाई को नॉक किया, टीमेट का बदला ले चुके हैं। अब टीमेट चले जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर इसको नॉक करने के बाद आगे की तरफ पुश कर ले। अब यहाँ पे पता नहीं होता कि वॉल के साथ इसके एक टीमेट बैठा हुआ है, सेम रेटी उसामा। इसको डैमेज किया, स्कोप खोल लिया था मैंने, तो इसको थोड़ा काम आ जाए, थोड़ा जिगल दे दे, तो स्कोप खोल के तो यहाँ पर इसको मारा। जोर आ रहा है, तकरीबन जोर आने वाला था, तो मैं रिवाइव देते ही निकलता हूँ। और सामने जो डांसियाँ जा रही है वही गोल्डन हाउस वाले बंदे। अब देखो हेल्थ कितनी कम है और हम जोन में जा रहे हैं। जोन में जाते जाते मुझे सेविनिटी शान भाई का किल मिल जाता है, जो यहाँ पर ही होते शेख की तरफ। तो यहाँ पर मैं बहुत वेट करता हूँ, हीलिंग करता हूँ पहले, तो हीलिंग करने के बाद फिर मंगवा लेता हूँ मैं ये शील्ड, क्योंकि मुझे आगे जा रहा होता जोन में, गाड़ी है नहीं, तो मुझे शील्ड या स्मोक ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यह बंदा देखता है लेटा हुआ। अब मैं इसको पहले मार सकता था बिल्कुल आराम से ना, तो लेकिन मैंने कोशिश दी कि मैंने बोला थोड़ा और ओपिन मारे, तो लेकिन वो कवर में जाके भाई बैठ ही जाते हैं, मतलब कि हिलता ही नहीं है वहाँ से। तो बहुत वेट करने के बाद इसको मैं एनर्जी ड्रिंक लगाता हूँ, फिर तो इसके बाद इसको दोबारा से देखता हूँ कि ना भाई अब थोड़ा सा ये दिखाए कि किस तरफ है। तो ये दिखा रहा है, लेफ्ट से इसकी तरफ शॉट आते हैं, तो ये बंदा हेड दिख रहा था और इसको लगता है हेड शॉट, और ये लास्ट बंदा बचता है जिसको मारने के बाद मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो ये 1800 का डैमेज के बाद भाई सिर्फ 11 किल। चलो कोई नहीं, चिकन डिनर तो हो गया अच्छे किल के साथ। तो बस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं वीडियो में वैसे बोलता नहीं हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का, अभी बोल रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और कमेंट्स में बता सकते हो कि कोई भी एडवाइस, मतलब कैसी वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।